वैसे तो बड़ा सरल है, 96 का 3 बार गुणा कर लो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें द्विपद प्रमेय की सहायता से इसको हल करना है, मान ज्ञात करना है इसका। तो हम इसको मान लेंगे 100-4 की घात 3, 100 में से 4 घटाएंगे 96 मिल जाएगा। तो ये ए हो गया और ये हो गया बी, एन का मान कितना है, ए प्लस बी की घात एन का फार्मूला लगा दो, ये 3 मान है एन का, तो 3C0 और ए का मान है 100 की घात 3 प्लस 3C1 और ए की घात मतलब 100 की घात एन माइनस 1 और इंटू बी माइनस 4 7 हो जाएगा प्लस 3C2 100 की घात 3 माइनस 2 और माइनस 4 की घात 2 प्लस 3C3 यहाँ एन और आर बराबर हो गए तो ए वाला पद नहीं लिखा जाएगा, बी का मान लिखा जाएगा माइनस 4 की घात 3। तो ये इसका विस्तार हो गया, ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 3 पद थे तो 4 पद आ गए, भाई जितनी भी घात लगी होगी उससे एक ज्यादा पद मिलेगा हमें यहाँ पर। फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 3 और 100 का घात 3 है तो कितना हो जाएगा, 1,000,000 हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 और ये 100 का घात 2 और 100 की घात 2 कितना हो जाएगा, 10,000 और माइनस का 4 प्लस फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 बटा इंटू फैक्टोरियल 1 और ये 100 का घात 1 तो 100 ही रहेगा और माइनस का ये माइनस का 4 लिखा है, ये 4 चौकू प्लस का 16 हो जाएगा गुणा 16 और प्लस फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 0 और ये हो जाएगा माइनस का 4 चौकू 16 चौकू 64। इसको हल करेंगे, ये कट जाएगा ये मान बन ही रहेगा, गुणा करेंगे 1,000,000 में तो 1,000,000 ही रहेंगे प्लस 3 बाहर आएगा 2 से 2 कट जाएगा 3 गुणा 10,000 गुणा माइनस 4 प्लस फैक्टोरियल 3 ये भी 3 ही आएगा गुणा 100 गुणा 16 और प्लस यहाँ बन आएगा और ये माइनस का 64। इसको हल कर लेंगे, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 12 × 12 और 4 बिंदी इस पे और ये प्लस का हो जाएगा 16 × 3 = 48 और 2 बिंदी 4800 माइनस 64। इसको हल कर दो, प्लस वाला जोड़ लेंगे कितना आएगा, ये 4800 जुड़ जाएगा इसमें 4800 जोड़ दिया और माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे 1,20,000 और माइनस 64 इसको जोड़ेंगे 1,20,064। इसको घटा दो कितना बचा, 6 यहाँ 3 7 4 और 8 और यहाँ 8। देखो बात आ गई समझ।